हेलो गाइस, वेलकम टू शालूज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के गोलगप्पे। इसके लिए चाहिए एक कप गेहूं का आटा, इसको हमने पहले से छान लिया था, आधा कप मैदा, उससे आधा कप सूजी, इसका हम घोल रेडी करेंगे। आटे को हमने सख्त रखना है। इसमें हमने कुछ नहीं डालना। हमने कम से कम 15 मिनट के लिए गूंथा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसकी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। इसको हमने बिल्कुल पतला बेलना है। अब हमने एक बोतल का कैप ले लिया है, उसके साथ इसको लगा देंगे। आप चाहें तो, अगर बड़ी बनाना चाहें तो बड़ा कैप ले सकते हैं। देखिए ऐसे हो जाएंगी। हमने ये कपड़ा गीला रखा हुआ है, इस पर हम रख लेंगे। ये हमारी पूड़ियाँ बेल चुकी हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आटा डालकर देखते हैं कि ये तेल एकदम से गर्म होना चाहिए। देखिए ये जो आटा हमने डाला ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल गर्म हो चुका है।
ये अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं फूल कर, कितने अच्छे से फूल रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो ये थे हमारे आटे के गोलगप्पे, आपको कैसे लगे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं।